दोस्तों सभी जियो रिटेलर भाइयों के लिए पुरानी FRC से रिलेटेड यहां पर बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। अगर आप जियो पॉस प्लस के अंदर सिम एक्टिवेशन वगैरह का काम कर रहे थे तो आपको अब यहां पर ध्यान रखना है कि हाल ही में ही जियो पॉस प्लस के अंदर सिम एक्टिवेशन करने वाले रिटेलर भाइयों के लिए एक मोस्ट पॉपुलर FRC को रिमूव कर दिया है। जी हाँ, पहले ये FRC मार्केट में रन कर रही थी, लेकिन अब आप इस FRC से सिम एक्टिवेशन भूल कर भी मत कर दीजिएगा, क्योंकि सिम एक्टिवेशन के दौरान एक नई FRC को रिमूव कर दिया गया है। पुरानी FRC से अब सिम एक्टिवेशन करने वाले रिटेलर भाई अपना सिर ज़रूर पकड़ेंगे। जी हाँ, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, जिन रिटेलर भाइयों का सिम एक्टिवेशन जियो पॉस प्लस के अंदर जारी है, उनके लिए सिम एक्टिवेशन से रिलेटेड एक FRC को जियो पॉस प्लस के अंदर रिमूव कर दिया गया है। चलिए मैं आपको ज़्यादा देर ना लगाते हुए बताता हूँ कि ये मोस्ट पॉपुलर FRC कौन सी है जिसको यहाँ पर रिमूव किया गया है, और कौन लोग उस FRC से अभी भी सिम एक्टिवेशन कर सकते हैं, लेकिन कुछ रियायत बरतते हुए। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं अपने कैप सेक्शन में आ चुका हूं। यहां से जियो रिटेलर भाइयों के लिए जो प्लान होता है, यहां से प्रीपेड प्लान के अंदर आपको सर्च करके दिखा देता हूं। जी हां, यूपी वेस्ट और यूपी ईस्ट के अंदर ही ये सिर्फ FRC काम कर रही है, बाकी सभी जगह से इस FRC को हटा दिया गया है। जी हां, अगर आप इस FRC से सिम एक्टिवेशन करेंगे तो आपको यहां पर किसी भी तरीके का, पहली बात तो सिम एक्टिवेशन के दौरान FRC आप मिलेगी नहीं, अगर मिल भी जाती है तो यहां पर वो बेनिफिट नहीं मिलेंगे जो रिटेलर भाइयों को OTF के द्वारा दिए जाते थे, और कस्टमर को उसके बेनिफिट वगैरह यानी कि नेट वगैरह या डेटा वगैरह दिया जाता था, क्योंकि 209 वाली FRC एक ऐसी FRC थी जो 1 GB रोज सभी कस्टमरों को प्रोवाइड कर रही थी। लेकिन अब इस FRC को जियो के सभी रिटेलर भाइयों के लिए रिमूव कर दिया गया है। जी हाँ, मेरा यूपी वेस्ट से मैं बिलोंग करता हूँ, तो मेरा यहाँ पर यह वाली FRC शो हो रही है, लेकिन अब आपको बहुत सारी स्टेट्स के अंदर इस FRC से सिम एक्टिवेशन नहीं करना है। आप सभी को पता ही चल गया होगा कि इस प्लान को जियो बहुत जल्द ख़त्म करने वाला है, बंद करने वाला है। जैसे 119 को ख़त्म कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है कुछ ही स्टेट्स के अंदर या कुछ ही सेलेक्टेड यूज़र को, तो 119 वाला रिचार्ज शो हो रहा है। इसी तरीके से 209 वाला भी कुछ सेलेक्टेड यूज़रों को ही शो हो रहा है, कुछ ही स्टेट्स के अंदर ये रन कर रहा है। तो अगर आप सिम एक्टिवेशन वगैरह कर रहे थे तो अब आप इस FRC को स्किप कर दीजिएगा, इसकी जगह 239 वाली FRC से सिम एक्टिवेशन कीजिएगा, नहीं तो आपको यहाँ पर घाटा होने वाला है, नुकसान होने वाला है। बस आज की वीडियो मुझे आपको इसी बड़े अपडेट के बारे में बताना था। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।